रायबरेली जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए जारी किए गए एसपी के फरमान से अपराधियों की नींद हराम हो गई है। अपराधियों की मस्ती पर भारी पुलिस की सख्ती का नतीजा है कि हाईकोर्ट क्रमिल थाने में पहुंचकर माफीनामा हाजिरी दर्ज करा रहे हैं ताकि अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिलती रहे। एसपी आलोक प्रियदर्शी की ये पहल क्राइम कंट्रोल के लिए संजीवनी साबित होगी। देखिए, अपराध की रोकथाम के लिए इस जनपद में मेरे द्वारा अपराधियों का वेरिफिकेशन कंटिन्यूस बेसिस पे कराया जा रहा है। पिछले 5 सालों में गोकशी, लूट, नकबजनी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के जितने भी मुलजिम जो छूट के आए हैं उन सब का वेरिफिकेशन थाने पे नियमित रूप से कराया जा रहा है। उनकी हाजिरी लगवाई जा रही है। हर थाने में एक हाजिरी रजिस्टर बना हुआ है जहाँ पर महीने में या 15 दिन पर डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस जब भी उनको समय मिलता है आकर के वो अपना दस्तखत बनाते हैं और अपने इलाके का हालचाल और अपनी कार्यप्रणाली जो उनका क्रियाकलाप है उसके बारे में संबंधित थानाध्यक्ष को बताते हैं। इस हाजिरी रजिस्टर में उनका पूरा डेटा लिखा हुआ है, उनकी फ़ोटो भी चस्पा है और उनका दस्तखत भी कराया जाता है और इस रजिस्टर को संबंधित क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है। आज इसी क्रम में पुलिस लाइन में इस वर्ष जमानत पर जो उपरोक्त 5 अपराध बताए मैंने उनके पुराने अपराधी की सूची निकाली गई जो करीब 224 लोगों की सूची थी। उनमें से आज 82 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे जिनका वेरिफिकेशन कराया गया, जिनसे वार्ता की गई। उनको ये बताया गया कि अपराध का जीवन छोड़ करके अगर वो कोई नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, नया कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो पुलिस उसमें बाधा नहीं बनेगी। वेरिफिकेशन के नाम पर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना है कि पुलिस उनको अनावश्यक नहीं परेशान करेगी, लेकिन बदले में वो भी पुलिस का सहयोग करें, पुलिस जब बुलाए वो आएँ, अपराध न करें और यदि उनके आसपास कोई इस तरह की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि दिखाई पड़ती है उसके बारे में पुलिस को तत्काल सूचना दें। इससे उनका और पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और अपराध पर रोकथाम लगेगी। इसी दिशा में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 82 लोग आए थे और उन सबसे वार्ता की गई है।